दोस्तों बी सक्सेस प्लस के यूट्यूब चैनल में मैं वीरेश कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों बायोलॉजी में हम कोशिका के टॉपिक को पढ़ रहे थे। ये कोशिका का दूसरा वीडियो लेक्चर है। पहले वीडियो लेक्चर में हमने कोशिका से संबंधित सभी पॉइंट्स जो बेसिक पॉइंट्स हैं उनको कवर कर लिया है, जैसे कि कोशिका की खोज किसने की थी, जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, केंद्रक की खोज किसने की थी, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था और कोशिकाएँ कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है, ये सभी पॉइंट्स हम पहले वीडियो लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। तो जो भी भाई बहन हमारे आज जो दूसरा वीडियो लेक्चर जो देख रहे हैं आज का, तो उससे पहले पहले वीडियो लेक्चर को आप अवश्य देख लें। ठीक है, हमने कोशिकांगों तक पढ़ लिया था। कोशिकांग मैंने आपको नोट करा दिए थे कि कोशिका के अंदर जो साइटोप्लाज्म जो होता है, कोशिका द्रव, उसमें बहुत सारे अंग होते हैं उसके, उन्हें कोशिकांग कहते हैं। और कौन कौन से कोशिकांग होते हैं आज उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज कोशिका में हम कोशिकांगों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं ये देखिए, मैंने दोनों डायग्राम बनाए हैं। ये जंतु जगत की कोशिका है और ये पादप जगत की कोशिका है। ये जितने भी कोशिकांग इसमें पाए जाते हैं सभी को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। देखिए तो जितने हैं सब एक एक करके आपके सामने आएंगे। ठीक है, सभी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं और सभी को हम यहाँ पर देखेंगे अच्छे से। चलिए तो सबसे पहले हम बात करें, तो सबसे पहले देखते हैं अंतःद्रव्यी जालिका। ये अंतःद्रव्यी जालिका क्या होती है? ईआर। इसे इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम बोला जाता है। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं कोशिका में। ये देखिए, ये जो है केंद्रक झिल्ली और कोशिका झिल्ली। ये कोशिका के ऊपर सबसे बाहरी परत जो होती है वो कोशिका झिल्ली होती है। केंद्रक के ऊपर सबसे ऊपर जो परत होती है उसे केंद्रक झिल्ली कहा जाता है। ठीक है, तो केंद्रक झिल्ली और कोशिका झिल्ली के बीच में ये जो आकृति नुमा ये ऐसी पाई जाती है, इसे बोलते हैं हम ईआर। ठीक है, ये ईआर जो है दो तरह की होती है, एक इस तरह से खुरदुरी होती है और एक चिकनी होती है। ठीक है, दोनों के बारे में हम देखते हैं क्या काम करती है ईआर। ठीक है, तो ईआर दोहरी झिल्ली युक्त होती है। ये कल भी मैंने आपको बताया था कि कुछ कोशिकांग ऐसे होते हैं जिनमें दोहरी झिल्ली पाई जाती है और कुछ कोशिकांग ऐसे होते हैं जिनमें एकहरी झिल्ली पाई जाती है और कुछ कोशिकांग जो है ऐसे होते हैं जिनमें झिल्ली ही नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो जहां तक आपने कल का वीडियो लेक्चर अच्छे से देखा है तो आपको ये सब पता होगा। तो दोहरी झिल्ली इसमें ईआर में पाई जाती है और यह लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। तो पहला क्वेश्चन आपको यहां से ये याद रखना है कि यह अंतःद्रव्यी जालिका जो ईआर जो होती है वह लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। इसका काम क्या होता है? काम की बात करें तो यह आवश्यक पदार्थों को विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम करती है। देखिए मैं यहां पर बताता हूं, यहां ये कोशिका झिल्ली से यहां पर ये कनेक्ट रहती है और यह केंद्रक तक जाती है। ठीक है, तो ये यहां से कोशिका के अंदर जितने भी आवश्यक जो पदार्थ होते हैं तो वो कोशिका के अंदर जो है पहुंचाती है। और मैंने कोशिका झिल्ली के बारे में कल बताया था कि कोशिका झिल्ली जो है अर्ध पारगम में होती है और जरूरत के हिसाब से जो आवश्यक जो पदार्थ होते हैं उन्हीं को अंदर जाने देती है। तो इसी रास्ते से होकर ये पदार्थ अंदर जाते हैं। ठीक है, तो ईआर का काम आप समझ गए होंगे। ईआर दो प्रकार की होती है, पहली चिकनी अंतःद्रव्यी जालिका और दूसरी खुरदरी अंतःद्रव्यी जालिका। चिकनी अंतःद्रव्यी जालिका को एसईआर बोलते हैं, एस से हो गया स्मूथ। ठीक है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। खुरदुरी, खुरदुरी का होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ठीक है, अगर फुल फॉर्म लिखनी हो तो आप लिख लेना, यहाँ पे स्मूथ लगा लेना और यहाँ पे रफ। ठीक है, तो चिकनी जो अंतःद्रव्यी जालिका होती है, यहाँ देखिए, ये देखिए चिकनी, यहाँ पर अंतःद्रव्यी जालिका है, यहाँ से यहाँ तक इसकी सतह पर ऐसे लाल कलर के ये डॉट डॉट यहाँ पर जो बनाए गए हैं ये यहाँ पर नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, और ये होती है खुरदुरी, ये इस पे ये डॉट डॉट दिख रहे होंगे, ये होती है खुरदुरी। ठीक है, तो चलिए, तो जो चिकनी अंतःद्रव्यी जालिका होती है वह लिपिड स्राव के लिए उत्तरदायी होती है। लिपिड का मतलब क्या होता है? बहुत सारे स्टूडेंट को ये पता नहीं होगा, लिपिड जो है बसा को कहा जाता है। ठीक है, बसा को जो है, बसा को लिपिड कहा जाता है। ठीक है, और ये लिपिड जो शब्द दिया था वह बिलोर नामक व्यक्ति ने दिया था। ठीक है, लिपिड, चलिए, तो लिपिड स्राव के लिए उत्तरदायी होती है, इसकी सतह चिकनी होती है, जैसा कि अभी हमने यहां पर देखा था इसकी सतह कैसी होती है, चिकनी होती है। ठीक है, खुरदुरी अंतःद्रव्यी जालिका की बात करें, आरईआर, तो यह प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होती है। तो यहां पर क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण होता है, और संश्लेषण का मतलब होता है दोस्तों निर्माण। ठीक है, यहाँ पर प्रोटीन का निर्माण होता है खुरदुरी जो सतह होती है। अब जो खुरदुरी सतह होती है वो क्यों होती है? तो इसकी सतह पर राइबोसोम
के कण पाए जाते हैं, राइबोसोम के कण पाए जाते हैं। अभी एक नया शब्द आपके सामने आया, राइबोसोम। तो राइबोसोम क्या होता है, तो अगला हमारा कोशिकांग राइबोसोम ही है, ठीक है। तो यहां तक आप अंतर्द्रव्यी जालिका के बारे में समझ चुके होंगे, ठीक है। तो अंतर्द्रव्यी जालिका एक बार रिवाइज करा देता हूं मैं, क्या होता है, दोहरी झिल्ली होती है, लाइपोप्रोटीन की बनी होती है, आवश्यक पदार्थों को अंदर जाने देती है, और दो प्रकार की होती है, एक खुरदरी होती है, एक चिकनी होती है। चिकनी वसा का स्राव करती है और खुरदरी प्रोटीन का संश्लेषण करती है। इसकी सतह पर राइबोसोम चिपके होते हैं, ये यहां पर ये डॉट डॉट आपको दिख रहा है, तो ये राइबोसोम के कण इस पर चिपके होते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं राइबोसोम, चलिए राइबोसोम समझते हैं क्या होता है। तो राइबोसोम की जो खोज की थी ये पेलेड नामक व्यक्ति ने की थी 1955 में, ठीक है, पेलेड ने राइबोसोम की खोज की थी। दूसरा पॉइंट है, यह झिल्ली विहीन होता है, ये कल भी मैंने आपको बताया था, राइबोसोम जो है झिल्ली विहीन होता है। चलिए तीसरा पॉइंट है, स्वतंत्र एवं ईआर की सतह पर यह पाया जाता है। तो यह जो है स्वतंत्र एवं ईआर की सतह पर पाया जाता है, ठीक है। तो ये स्वतंत्र रूप से कोशिका के द्रव के अंदर भी ये पाया जाता है, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा होगा, देखिए राइबोसोम, ये रेड कलर की जितने भी यहां पर ये पॉइंट आपको दिख रहे हैं, यही राइबोसोम है, ठीक है। ये इसके ऊपर सतह पर चिपका भी होता है, ये स्वतंत्र अवस्था में भी पाया जाता है, ठीक है। आगे प्रोटीन के संश्लेषण में सहायता करता है, यही मैंने आपको बताया था कि खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका होती है, प्रोटीन का संश्लेषण करती है, किस वजह से, राइबोसोम की वजह से। तो राइबोसोम का काम ही होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना, ठीक है, इसलिए इसे प्रोटीन का कारखाना कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, परीक्षा में बहुत बार यह प्रश्न आपसे पूछा गया है कि प्रोटीन का कारखाना किसे कहते हैं या प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं, तो वह कहते हैं राइबोसोम को, ठीक है। चलिए अगले कोशिकांग की ओर चलते हैं। तो अगला कोशिकांग है गोल्जी कॉय, गोल्जी कॉय, इसे इंग्लिश में गोल्जी बॉडी कहते हैं। गोल्जी बॉडी आपको मैं दिखा देता हूं, देखिए ये ऐसे छड़नुमा जितनी आकृति के ये होते हैं, इन्हें गोल्जी कॉय कहा जाता है, ठीक है। चलिए देखिए दोनों में दिखा देता हूं, देखिए यहां पर, यहां हमने थोड़ा ध्यान नहीं दिया, ये पादप कोशिका है, ठीक है, ये भी गोल्जी कॉय यहां पर पाया जाता है। कुछ कोशिकांगों का अंतर होता है जंतु कोशिका में, कोशिका ये पादप कोशिका में कुछ कोशिकांग अलग अलग पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए तो यहां खोज की थी गोल्जी कॉय की कैमिलो गोल्जी ने 1898 में, कैमिलो गोल्जी ने, इसके नाम में ही आ रहा गोल्जी, तो गोल्जी कॉय की खोज की थी कैमिलो गोल्जी ने। एकहरी झिल्ली युक्त होता है, इस पर एक एकहरी झिल्ली पाई जाती है, सिंगल लेयर पाई जाती है। यह लाइसोसोम के निर्माण में सहायक होता है। अब यहां फिर से आपके सामने एक नया नाम आया, गोल्जी कॉय जो है लाइसोसोम के निर्माण में सहायक होता है। अब लाइसोसोम क्या होता है, ये देखिए लाइसोसोम, ये लाइसोसोम, लाइसोसोम अभी हम आगे देखेंगे क्या होता है, ठीक है। बस अभी आपको ये याद रखना है, यह लाइसोसोम के निर्माण में सहायक होता है। इसे कोशिका का यातायात प्रबंधक भी कहते हैं, यह यातायात को प्रबंधित मतलब प्रबंधित करता है, ये यातायात प्रबंधक, इसलिए इसको क्यों कहा जाता है। तो उसके बाद ये पॉइंट हम यहाँ पर देखते हैं, इसका संपर्क ईआर की झिल्ली से होता है। तो देखिए ये ईआर जो है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका संपर्क इसकी झिल्ली से रहता है। तो होता क्या है कि यहाँ से आवश्यक पदार्थ कोशिका झिल्ली के थ्रू जब अंदर जाते हैं ईआर में, तो ये चेक कर करके इनको निकालता है, यातायात प्रबंधक का काम ये करता है, इसकी झिल्ली से ये संपर्क इसका बना रहता है, इसीलिए इसको यातायात प्रबंधक कहते हैं, ठीक है। और यह जीवाणु मानव की आरबीसी और नील हरे शैवाल में नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो यह किस किस में नहीं पाया जाता है, एक तो बैक्टीरिया में और एक आरबीसी में, और नील हरे शैवाल में नहीं पाया जाता है। तो आई होप समझ चुके होंगे आप, ठीक है। फिर से देखिए गोल्जी कॉय, खोज की थी कैमिलो गोल्जी ने, लाइसोसोम के निर्माण में सहायक होता है, इसे यातायात प्रबंधक कहते हैं, जीवाणु आरबीसी नील हरे शैवाल में नहीं पाया जाता है, और इसका संपर्क ईआर से रहता है, ठीक है। ईआर में जो भी मटेरियल अंदर जाता है उसे यह उसके यातायात को प्रबंधित करता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं लाइसोसोम, देखिए लाइसोसोम मैंने यहां पर आपको अभी बात की थी कि गोल्जी कॉय लाइसोसोम के निर्माण में सहायक होता है, ठीक है। तो लाइसोसोम क्या होता है, ये रहा लाइसोसोम, ऐसी गोलीनुमा ये ऐसे होता है, ठीक है। खोज की थी क्रिस्टियन डी ड्यूवे ने 1958 में, लाइसोसोम की खोज क्रिस्टियन डी ड्यूवे ने की थी, ठीक है। और यह एकहरी झिल्ली युक्त होता है, इस पर सिंगल लेयर होती है। आगे देखें
यह छोटी छोटी पुटकाओं, पुटकाओं मतलब हम कह सकते हैं ऐसी थैली, पुटका मतलब थैली के रूप में पाया जाता है जिसमें एंजाइम भरे रहते हैं। एक और शब्द आया आपके सामने एंजाइम, ठीक है। यह छोटी छोटी पुटकाओं यानी थैलियों के रूप में, ये ऐसे ये थैली नुमा ये आपको दिख रहा होगा, इसके अंदर ये जो भरा हुआ रेड कलर से जो मैंने यहाँ पर दिखाया है ये एंजाइम होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम को मजदूर कहते हैं, हमारी बॉडी के मजदूर, एक तरीके से जो मजदूर काम करते हैं उसी तरीके से हमारी बॉडी में एंजाइम काम करते हैं, ठीक है। चलिए, और ये प्रोटीन के बने होते हैं, इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। अब आत्महत्या की थैली इसको क्यों कहा जाता है, तो मैं यहाँ पर आपको देखो अभी समझाता हूँ कि लाइसोसोम जो है एक थैलियों के रूप में होता है, थैलियों के अंदर इसमें एंजाइम्स भरे रहते हैं। जब भी कोश का पर जो है किसी भी बैक्टीरिया या वायरस का असर होता है, कोई भी बैक्टीरिया अंदर आता है तो यह थैलियाँ फट जाती हैं और उस वायरस या बैक्टीरिया को ख़त्म कर देती हैं। कभी कभी क्या होता है कि इस सेल का कोई भी कोशकांग अगर खराब हो जाता है तो यह थैली जो है फट कर उस कोशकांग को नष्ट कर देती है, कभी कभी पूरी कोशिका को भी ये नष्ट कर देती हैं, ठीक है। तो ये जो है इसीलिए इसको आत्महत्या की थैली कहा जाता है, ठीक है। तो पूरी कोशिका को नष्ट करने में इसी का योगदान होता है। और ये कहा जाता है कि लाइसोसोम के फटने से ही कोशिका विभाजन भी होता है, तो कोशिका विभाजन में भी यह सहायता करता है, ठीक है। तो लाइसोसोम आप समझ चुके होंगे। तो लाइसोसोम क्रिस्टियन डी ड्यूबे ने इसकी खोज की। एक झिल्ली होती है, छोटी छोटी थैलियों में ये भरा रहता है, इसमें एंजाइम्स होते हैं, और इसे आत्महत्या की थैली इसलिए कहा जाता है क्योंकि एंजाइम्स जो है फट जाते हैं जब भी बैक्टीरिया या वायरस का जो है प्रभाव पड़ता है कोशिका पर, ठीक है। और यह कोशिका विभाजन में भी सहायता करता है। चलिए, अब इसके बाद लाइसोसोम के बाद आगे देखते हैं अगले कोशिकाओं को, देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज की थी वह की थी अल्टमैन ने। अल्टमैन ने 1890 ईस्वी में माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी, और नामकरण जो किया था माइटोकॉन्ड्रिया वह दिया था बेंडा ने, ठीक है। तो अल्टमैन ने जब खोज की थी तब इसका नाम दिया था उन्होंने बायोब्लास्ट, ठीक है। तो अल्टमैन ने बायोब्लास्ट नाम दिया था माइटोकॉन्ड्रिया को, और माइटोकॉन्ड्रिया जो नाम दिया वह दिया था बेंडा ने। यह दोहरी झिल्ली युक्त होता है, मैं यहां पर आपको दिखा देता हूं कोशिका में, देखिए। तो माइटोकॉन्ड्रिया देखिए, ये है माइटोकॉन्ड्रिया, इस पर दोहरी झिल्ली होती है, यहां भी देखिए माइटोकॉन्ड्रिया ये होता है, ठीक है। तो चलिए, तो खोज की थी अल्टमैन ने, यहां तक हो गया। इसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, देखिए कोशिका का पावर हाउस या कोशिका का बिजली घर इसे कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। हजारों बार ये प्रश्न जो परीक्षा में पूछा गया है, अच्छे से याद रखना, कभी भूलना मत। कोशिका का बिजली घर किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। क्यों कहते हैं? इसका कारण मैं आपको बताता हूं। देखिए, यहां पर एक कैप्स चक्र चलता है। कैप्स चक्र क्या होता है कि 36 एटीपी ऊर्जा। अब ये एटीपी क्या है, या एटीपी की बात करें, एटीपी क्या है तो ये नया शब्द आपके सामने आया है। और 36 एटीपी क्या होता है? एक ग्लूकोज के अणु को जलने में 36 एटीपी एनर्जी निकलती है, ठीक है। 36 एटीपी, एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो इतनी 36 एटीपी एनर्जी जब निकलती है तो उसमें से 34 एटीपी एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कैप्स चक्र के दौरान बनती है, ठीक है। इसीलिए हम कोशिका का पावर हाउस कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, यानी माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज जो है जलता है, ठीक है। ग्लूकोज जलता है और यहां से हमें ऊर्जा मिलती है, ठीक है। तो याद रखना, एटीपी की फुल फॉर्म लिखनी हो तो आप लिख लेना एडनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। एडनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो दिक्कत मत लेना, ठीक है। एक बार आप जो है कंफर्म कर लेना, एडनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी, ठीक है। चलिए, इसे कोशिका का श्वसन स्थल भी कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं और श्वसन स्थल भी कहते हैं। जीवाणु नील हरे शैवाल में यह नहीं पाया जाता है, तो यह अपवाद है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है जीवाणु और नील हरे शैवाल में नहीं पाया जाता है, इसमें डीएनए आरएनए राइबोसोम पाया जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर
डीएनए आरएनए और राइबोसोम पाया जाता है। देखिए राइबोसोम हम पढ़ चुके हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री जिसे कहा जाता है, वह ईआर की सतह पर भी चिपका रहता है, ठीक है, स्वतंत्र अवस्था में भी पाया जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी पाया जाता है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अल्टमैन ने खोज की, नाम दिया था बायोब्लास्ट, नामकरण इसका किया माइटोकॉन्ड्रिया बेंडा ने। दोहरी झिल्ली होती है, कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, क्योंकि कैश चक्र के दौरान 36 एटीपी में से 34 एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनती है एनर्जी। इसे कोशिका का श्वसन स्थल भी कहते हैं। जीवाणु नीरल शैवाल में यह नहीं पाया जाता है, इसमें डीएनए आरएनए राइबोसोम पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए अगले कोशिकांग की ओर चलते हैं, लवक प्लास्टिड। देखिए जो लवक होता है यह कलर के लिए जिम्मेदार होता है, ये कलर देता है। खोज की थी इसकी हैकेल ने, 1865 में इसकी खोज की थी हैकेल ने, ठीक है। दोहरी झिल्ली युक्त होता है और यह केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। लवक की बात करें तो लवक केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए, ठीक है, अच्छे से याद रखना। लवक तीन प्रकार के होते हैं, एक होता है अवर्डी लवक, अवर्डी लवक को हम ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं, और यह अवर्डी लवक वहां पाया जाता है जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता है। तो सूर्य का प्रकाश कहां नहीं पहुंचता है, एक तो जड़ों में और भूमि के अंदर जितना तना होता है वहां, तो यह भूमिगत तना और जड़ों में अवर्डी लवक पाया जाता है। अ अ जो है नेगेटिव को दर्शाता है, और वर्डी मतलब वर्ड कलर, ठीक है, जहां कलर नहीं पाए जाए। तो अवर्डी लवक भूमिगत तना एवं जड़ में पाया जाता है, भोजन संग्रह का काम करता है, ठीक है। चलिए दूसरा होता है वर्डी लवक, वर्डी मतलब कलर, जो कलर दे। तो वर्डी लवक जो है, हरे कलर को हम छोड़ दें तो उसके अलावा जितने भी कलर पेड़ पौधों में जहां जहां पाए जाते हैं, बीज हुआ, फल हुआ, ठीक है, और उसके अलावा फूल हुआ, वहां पर वर्डी लवक पाए जाते हैं, जितने भी रंगीन नारंगी लाल पीला गुलाबी जो भी होते हैं, ठीक है। तो वर्डी लवक को कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, यह रंगीन लवक होते हैं और फूल बीज फल आदि में पाए जाते हैं, ठीक है। तो दो हो गए, तीसरा चलिए देखते हैं। तीसरा होता है हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट या हरे रंग के लवक, ये जो होता है हरित, इसमें नाम ही आ रहा हरित, तो हरित मतलब हरे रंग के लिए जिम्मेदार होता है हरित लवक, ठीक है। पत्तियों एवं तनों में यह पाया जाता है, ठीक है। इसे कोशिका का रसोई घर कहते हैं, कोशिका का रसोई घर कहते हैं। पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा जब भोजन बनाते हैं तो यही इनका अहम रोल होता है हरित लवक का, ठीक है। तो कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है, हरित लवक को, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। इसमें पर्ण हरित मतलब क्लोरोफिल, पर्ण हरित को बोलते हैं क्लोरोफिल, व कैरोटीन, कैरोटीन नामक वर्णक, वर्णक भी कलर को ही कहा जाता है, ठीक है, भी पाए जाते हैं। तो क्लोरोफिल किसके लिए जिम्मेदार होता है, पत्तियों के हरे रंग के लिए, और कैरोटीन होता है पत्तियों के पीले रंग के लिए। तो आई होप आपको लवक जो है समझ में आ गया होगा, केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहां से याद रखना, हरित लवक जो हरे रंग के होते हैं, पत्तियों तनों में पाए जाते हैं, कोशिका का रसोई घर इसको कहा जाता है, और इसमें क्लोरोफिल और कैरोटीन पाए जाते हैं। क्लोरोफिल जो है पत्तियों के हरे रंग के लिए जिम्मेदार होता है, और कैरोटीन पत्तियों के पीले रंग के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला कोशिकांग, रसधानी या रिक्तिका, वॉक्यूल। ये क्या होता है रिक्तिका, देखिए रिक्तिका रसधानी जो है, मैंने यहां पर ये आपको दिखाया, देखिए रिक्तिका, ठीक है, रिक्तिका इसी में, इसमें भी पाई जाती है जंतु कोशिका में और पादप कोशिका में, लेकिन यहां छोटी होती है यहां बड़ी होती है। चलिए यह क्लियर करते हैं, जंतु कोशिका में यह छोटी छोटी व पादप कोशिकाओं में बड़ी होती हैं, ठीक है, जैसा कि यहां दिख रहा होगा, देखिए ये बड़ी है, यहां ये छोटी आकृति में होती है, ठीक है। यह कोशिका को आकृति तथा कठोरता प्रदान करने का कार्य करती है, तो यह कोशिका को एक शेप देती है, ठीक है। इसमें खाद्य पदार्थों का संग्रह भी होता है, तो ये जो रिक्तिका होती है रसदानी, इनमें खाद्य पदार्थों का संग्रह भी होता है। चलिए एक और कोशिकांग की ओर चलते हैं, तारकाय, जिसे सेंट्रोसोम कहते हैं, इंग्लिश में से सेंट्रोसोम कहा जाता है। सेंट्रोसोम में यहां दिखाऊं, ये रहा सेंट्रोसोम, ठीक है, सेंट्रोसोम। चलिए इसकी खोज की थी बोवेरी ने 1888 ईस्वी में, और यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, ये तारकाय सेंट्रोसोम केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, यहां पर नहीं पाया जाता, ठीक है।
यह कोशिका विभाजन में सहायता करता है। तो सेल डिवीजन में भी तारकाय का रोल होता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस यहीं तक रखते हैं। अगली वीडियो में हम कोशिका विभाजन सेल डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे। तो आई होप आपको वीडियो लेक्चर काफ़ी पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बस हमारी आपसे यही आशा रहती है। आप जाएं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, ठीक है। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारे द्वारा दिए जा रहे वीडियो लेक्चर कैसे लग रहे हैं, ठीक है। चलिए।